अमित शाह बीजेपी के जो कौमी मुखी ने वो मीडिया के नाल मुखातिब हो रहे ने कि कुछ कह रहे ने रैली नु संबोधित कर रहे ने अमित शाह सीधा चंडीगढ़ की जिम्मेदारी है ऐसे महासचिव संगठन श्रीमान रामलाल जी चंडीगढ़ की प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी की महासचिव सुश्री सरोज पांडे जी यहां की लोकप्रिय सांसद किरण खैर जी यहां के लोकप्रिय नेता सत्यपाल जैन जी प्रथम नागरिक और मेयर श्रीमान अरुण सूद जी यहां पर कालका की लतिका शर्मा जी भी आई हुई है और हरियाणा सरकार के मंत्री श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी भी आए हैं और मंच पर उपस्थित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और चंडीगढ़ के हर बूथ से आए हुए प्यारे बूथ समिति के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों मित्रों भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों में अंतर है। बाकी पार्टियों का चुनाव जीतने का तरीका अलग प्रकार का है और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का तरीका अलग प्रकार का। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी है, एक निश्चित लक्ष्य लेकर मकसद लेकर राजनीति में काम करने वाली पार्टी है। अब जो कोई पार्टी विचारधारा के आधार पर काम करती है, कोई लक्ष्य कोई मकसद के लिए काम करती है, तो स्वाभाविक रूप से अपने विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए इसकी जन स्वीकृति के लिए संगठन जरूरी होता है। और जब तक लक्ष्य के साथ समूचे देश की जनता को हम नहीं जोड़ते हैं, अकेली भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को सिद्ध नहीं कर पाती। और इसलिए जनता को भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य के साथ जोड़ने के लिए भी संगठन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मित्रों बाकी पार्टियां प्रचार प्रसार नेताओं के भाषण अखबार की एडवर्टाइज बड़ी बड़ी रैलियां उनके माध्यम से चुनाव जीत सकती है, मगर भारतीय जनता पार्टी बूथ के कार्यकर्ता के बगैर कभी चुनाव नहीं जीत सकती। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है और हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ये बूथ नाम की जो रचना है उसको जनसंघ के जमाने से आज तक हमने बहुत महत्व दिया है। यहां पर बहुत सारे युवाओं को मैं देख रहा हूं, उनको मैं बताना चाहता हूं 1982 में गुजरात के संघवी हाईस्कूल के बूथ में मैं भी बूथ अध्यक्ष से नाते ऐसी तरह से अडवाणी जी को सुनने गया था। और मित्रों एक ऐसी पार्टी है जहां छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को मौके मिलते रहते हैं। आप बताइए देश में कोई ऐसी पार्टी है जिसमें इतने गरीब घर में जन्मा हुआ व्यक्ति संगठन का काम करते 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 देश का प्रधानमंत्री बन सके? कहीं नहीं हो सकता। आपको एक निश्चित राजनीतिक घराने में जन्म लेना पड़ेगा तभी जाकर आप पार्टी के मुखिया या प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बन सकते हो। मगर मित्रों ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन पार्टी ने एक बूथ के छोटे से छोटे कार्यकर्ता में से कर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। और पार्टी ऐसी है जिसकी कल्पना ये मीडिया वाले भी नहीं कर सकते। मैं मीडिया वाले सारे खड़े हैं बैठे हैं सबको पूछना चाहता हूं, भैया बताओ कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन है? आप जवाब दे सकते हो या नहीं दे सकते हो? निश्चित दे दोगे कि श्री राहुल गांधी बनेंगे और अगर उनके घर पे कोई संतान आती है तो वो भी बन जाएगी 25-50 साल के बाद, ये तय है। आप बताइए भैया भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा?
भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाली पार्टी है और आंतरिक लोकतंत्र को संजो कर रखने वाली पार्टी है। यही इस पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म है।